आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक रनर पजल, जिसमें कि तीन रनर्स हैं एक्स वाई जेड, जो कि 1000 मीटर रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सभी रनर का अपना अपना यूनिफॉर्म स्पीड है जो कि फिक्स है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में है क्या आखिर। सबसे पहले एक्स और वाई के बीच में जो इनिशियल डिस्टेंस है वो हमारा 50 मीटर है, और उसके बाद दोनों रेस स्टार्ट करते हैं तो दोनों एक ही टाइम में फाइनल डेस्टिनेशन को पहुंचते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स 1000 मीटर कवर करता है और वाई 950 मीटर कवर करता है। सिमिलरली इसी तरह एक्स और जेड के बीच में जो डिस्टेंस है वो 69 मीटर है, और उसके बाद रेस जब स्टार्ट होता है तो जो फाइनल डेस्टिनेशन को पहुँचते हैं सेम टाइम में। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स 1000 मीटर कवर करता है और जेड 931 मीटर कवर करता है। तो सिमिलरली इसी तरह हम लोग को वाई और जेड के बीच में इनिशियल कितना डिस्टेंस होगा कि जो हमारा रेस है वो 1000 मीटर का कवर होगा और सेम टाइम में होगा, ये वाई और जेड के बीच में इनिशियल डिस्टेंस निकालना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और खुद एक ट्राई लें, और जब नहीं सॉल्व हो तो तब वीडियो को आगे देखें। देखिए यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में डिस्टेंस 50 मीटर है, ठीक है, और उसी तरह एक्स और जेड के बीच में डिस्टेंस 69 मीटर है। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि वाई और जेड के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो 19 मीटर होगा। नहीं, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का जो कंप्लीट रेस है वो 1000 मीटर का है, और ये जो आंसर है वो 950 मीटर रेस के लिए सही है। इसीलिए चलिए देखते हैं कि इसका सही अप्रोच क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम, या फिर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, आप कुछ भी बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेट और स्पीड एक ही होता है। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू आर इंटू टी। अब चलिए इसको अप्लाई करते हैं। पहला केस में हमारा एक्स और वाई है, और हम लोग देख सकते हैं कि y 950 मीटर डिस्टेंस करता है और x 100 मीटर कवर करता है, दोनों के केस में टाइम सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1000 इज इक्वल टू एक्स टी x वाले के केस में, और 950 इज इक्वल टू वाई टी y वाले केस में। अब देखिए दोनों इक्वेशन आ गया, अब दोनों से हम लोग t निकालेंगे। तो पहला इक्वेशन में t इज इक्वल टू 1000 बाई एक्स, और दूसरा इक्वेशन में t इज इक्वल टू 950 बाई वाई होगा। अब दोनों t है तो दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1000 बाई एक्स इक्वल टू 950 बाई वाई। इसको हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं तो y इज इक्वल टू 0.95x। ये हमारा एक इक्वेशन बन के आ चुका है। आगे देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अब इसी तरह x और z में लेना है, तो x और z के बीच में डिस्टेंस क्या है 69 मीटर, यानी कि जेड कितना डिस्टेंस कवर करेगा 931 मीटर। सेम फार्मूला को हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है, तो 1000 इज इक्वल टू एक्स टी हो जाएगा और 931 इज इक्वल टू जेड टी हो जाएगा। यहाँ से दोनों इक्वेशन से हम लोग टी निकाल लेंगे, तो टी निकालने के बाद दोनों वैल्यू हमारा टी हो गया तो इक्वेट कर सकते हैं। और जब इक्वेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1000 बाय एक्स इक्वल टू 931 बाय जेड। इसी तरह इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा z इज इक्वल टू 0.931x। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुका है, z इज इक्वल टू 0.931x और y इज इक्वल टू 0.95x। अब दोनों इक्वेशंस को हम लोग सिंपली डिवाइड कर देंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो हमारा बच जाएगा z बाई वाई इज इक्वल टू 0.931 डिवाइड बाई 0.95। इसको हल्का सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो z बाई वाई इज इक्वल टू 0.98। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 980 बाई 1000। इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन को समझने की कोशिश कीजिए। z बाई वाई इज इक्वल टू 980 बाई 1000, या फिर z बाई 980 इज इक्वल टू y बाई 1000। यानी कि y जब 1000 मीटर रेस 1000 मीटर डिस्टेंस कवर करता है तो z जो है वो 980 मीटर करता है दोनों की सेम टाइम में। यानी कि सेम टाइम में z 980 करता है और y 1000 करता है। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंस कितना होगा 20, यानी कि y और z के बीच में डिफरेंस जो है वो 20 मीटर का होना चाहिए, तभी वो दोनों सेम टाइम पे डेस्टिनेशन पहुँचेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं।